वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मेरे पास आया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हीरो कंपनी का मैस्ट्रो स्कूटी है और इस इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो कस्टमर ने लाया है, लाने के बाद मुझे बोला कि इस बाइक का इंजन मैंने एक मैकेनिक से कराया था और कराने के बाद इस इंजन का जो सेटिंग है मुझे सही नहीं लग रहा है। तो बाइक जब चला रहा हूँ तो बाइक में साउंड बहुत ही ख़राब आ रहा है और बाइक जब हम लोग जैसे कि ट्यूनिंग पर रख देता हूँ तो बाइक हम लोग का जैसे कि आगे बढ़ रहा है। तो गाइस ट्यूनिंग जब हम लोग 1000 के आसपास में या 1200 के आसपास में RPM पर रख दे और बाइक स्टार्ट हो तो आगे हम लोग का बाइक जैसे कि नहीं बढ़ेगा। तो इस बाइक में ऐसा जाने क्या हुआ है स्कूटी पर, तो ऐसे हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो चलिए हम खोलते हैं, इसका अंदर क्या क्या रीजन है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक में हम लोगों का साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। इंजन का साउंड सही है बट हम लोग जो बाइक को आगे बढ़ाए तो कुछ हम लोगों को दिक्कत देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी बाइक को जिसमें कि स्कूटी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए हम लोगों का बाइक आगे धकड़ धकड़ कर रहा है। देखो थोड़ा RPM कम है, देखो हल्का हल्का बाइक आगे चल जा रहा है। तो खोलना पड़ेगा गियर बॉक्स, और जिसमें कि क्लास 2 हम लोगों को खोलना पड़ेगा और गियर बॉक्स में जितना भी हम लोगों का पिनियम वगैरह है सब चेकअप करेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सो गाइस जैसे कि देखा मैंने ओपन कर लिया है, अब ओपन करने के बाद हम लोगों को खोलना पड़ेगा ये जो हम लोग का किक चैम्बर है, इसे हम लोग ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए ओपन करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से देखता हूँ, मिलता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया है और देखो इसका हालात क्या है। इसको झलाई किया है, देखो यहाँ दिखाइए, इसको झलाई किया था एक मैकेनिक ने, यहाँ देखिए पॉइंट मरा है और यहाँ पॉइंट मरा है। ये झलाई हम लोगों को नहीं रहता है कंपनी से, यहाँ हम लोगों का ग्रुप दिया रहता है और इसमें भी ग्रुप दिया रहता है। ये अगर ढीला भी करे तो हम लोग को जैसे कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यहाँ हम लोग अगर झलाई कर दे तो दिक्कत आ सकता है, क्योंकि हम लोगों का जो पिनियम ख़राब हो जाएगा। देखिए ये पिनियम हम लोगों को बदलना पड़ेगा, ये शाफ्ट और ये शाफ्ट, ये भी पिनियम बदलना पड़ेगा। अब सवाल है यहाँ देखिए इसका प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये जो बैरिंग है गाइस, ये बैरिंग हम लोगों का जैसे कि ख़राब हो चुकी है। नोच प्लस कहाँ आया लाइए तो ये बैरिंग हम लोगों का देखो कैसा हुआ है, बैरिंग एकदम हम लोगों का जैसे कि ढीला हो चुकी है। अब आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये सही है और मेन बैरिंग दिखाता हूँ, मेन बैरिंग भी सही है। अब चैम्बर का बैरिंग चेक करेंगे, चलिए तो गाइस ये मेन बैरिंग देखिए, कि ये बैरिंग देखिए, ये भी हम लोग जैसे कि ख़राब हो चुकी है, इसे निकालना है। और ये बैरिंग हम लोगों का सही है और ये बैरिंग भी हम लोगों का सही है, सिर्फ हमको बदलना है दोनों बैरिंग, ठीक है दोनों बैरिंग। तो गाइस चलिए इसे खोलता हूँ, ये कैसा कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ख़राब हो जाएगा तो भी हम लोगों का दिक्कत करेगा। तो गाइस यहाँ देखिए बहुत ही गड़बड़ फिटिंग किया गया है और नो देखिए हालत ख़राब हो गया है गाइस। ऐसा अगर हालत रहे तो हम लोगों का ठीक से बाइक नहीं टान पाएगा और ताकत भी नहीं मिलेगा। तो ये भी अवला हो चुकी है, इसे भी गलत तरीका से यूज किया गया है। बूस्ट सही है लेकिन हम लोगों को फिटिंग करना है सही से, ठीक है ये क्लच हम लोगों को सही से फिटिंग करना है और बैरिंग निकालना है। तो चलो सब पार्ट्स की तैयारी करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो सोगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी पूरे पार्ट्स को मैंने वॉश किया और क्या क्या चीज़ मैंने मार्केट में देखा, मुझे मिला दो बैरिंग मिला मुझे, ठीक है दो बैरिंग मिला और इसको खोलिए
ये इस पार्ट हम लोगों को मिला। ये झलाई जो किया था, ये झलाई होने के कारण जैसे कि खराब आप लोगों को दिखाई दे रहा था, और ये नया है गाइस, ठीक है, ये नया लाया मैंने मार्केट से। तो चलो अब आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और बाकी पिनियम कुछ भी नहीं मिला, बट ये पिनियम ने जो झलाई किया था इसको मैंने सफाई किया और इसमें घिसाई किया करने का बाद, जिसमें कि आप लोगों को दिखाता हूँ अभी आसानी से, जिसमें कि फिटिंग हो जाएगा। पहले पूरा सेटिंग नहीं होता था। तो कभी भी आप लोग इस पिनियम को, जिसमें कि आप लोग इजी मत करो, झलाई मत करो। झलाई करने से क्या होता है कि हम लोगों का डिस्टेंस ख़राब हो जाता है। ये थोड़ा हम लोगों को हिलना चाहिए, क्योंकि इसका साथ अगर वो पिनियम संपर्क में आएगा तो पिनियम का जो गति है वो ठीक से चलेगा और पिनियम ख़राब नहीं होगा। और इसको टाइट कर देगा तो पिनियम हम लोगों का ख़राब हो जाएगा। तो चलो इसको बदलेंगे और नया लगाएंगे। और ऑयल सील मैंने नया डाला है, ये ऑयल सील नया डाला। तो चलिए सब बैरिंग ठोकेंगे गाइस। तो गाइस इस बैरिंग को मैंने किस हिसाब से खोला है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा कि बैरिंग मैंने कैसे खोला है। बगैर लेद में जाके अपने दुकान में मैंने खोला है, और आप लोग भी अपने हाथ से खोल सकते हो। तो मैंने उस वीडियो को बनाया, डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको मिल जाएगा। तो चलो इसे मैं ओपन करता हूँ। इसको हम लोग को ग्रीज लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग का लुब्रिकेंट होगा। तो चलिए बैरिंग सब ठोकता हूँ। चलिए तो गाइस ठोकना बहुत ही आसान है, अब इसको खोलना मुश्किल है। तो चलो उस पर कभी लगाता हूँ, उस पर रहिए। बस सभी बैरिंग हम लोगों का झकास है, अब हम लोग फिटिंग करेंगे सब कुछ। सबसे पहले ये पिनियम हम लोग लगाएंगे। दिमाग लगा दे, पिनियम डाल दे। तो गाइस ये लगेगा इस जगह पर, ठीक है, और ये पिनियम लगेगा हम लोगों का इस जगह पर, ठीक है। और पहले इसको आपको निकालना पड़ेगा और इस शब पे आप लोगों को देना पड़ेगा। थोड़ा जाम जा रहा है, क्या बात है, हम लोगों का सेटिंग नहीं हुआ है। इसको ये दूसरे गाड़ी का दे दिया है, ये बहुत ही जाम जा रहा है। दो मार तोल दीजिए, पुराना वाला दीजिए। तो लगा के देखता हूँ, ये आसानी से फ्री जा रहा है। देखो ये आसानी से फ्री जा रहा है गाइस। और ये वाला जो लगाता हूँ, ये नहीं लग रहा है, अगर जबरदस्ती ठोक दे तो। नहीं घूम रहा है, देखो नहीं घूम रहा है। गाइस जैसे कि हमने पुराना फारसी लगाया, ये अगर लगाता हूँ, मैंने गियर ऑयल देके भी लुब्रिकेंट किया, बट फिर ही नहीं घूम रहा है। तो इस तरह से फ्री घूमना चाहिए, तभी हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट ये थोड़ा आवाज़ आएगा, ये पिनियम हम लोगों का ख़राब है। देखिए ये पिनियम में थोड़ा हम लोगों का घर 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 करेगा, ठीक है। तो चलो अभी बाई चांस बाइक को लगाता हूँ, लगाने के बाद ही करते। चैम्बर दीजिए, ये बैरिंग सही है।
बस उस पार से नॉट लगाता हूँ, लगाने के बाद उस पार आइए। तो गाइस ये क्लच हम लोगों को बूस्ट चेकअप करना है, बूस्ट सही है खराब है। इस तरह से दबा के इस तरह से खोल देना है। अब हम लोग आसानी से बेल लगा सकते हैं। लग गया है, अब हम लोग डालेंगे ये वाला पत्ते, इसको थोड़ा सामने ले जाना है, ठीक है, देना है उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला वॉशर। बेल्ट हम लोगों को टाइट हो चुकी है, ठीक है, चैंबर। तो गाइस अभी बाइक को स्टार्ट करेंगे, स्कूटी को, और ट्यूनिंग व्यूनिंग भी मैंने मिलाया। अब देखो बाइक जैसे कि अभी आरपीएम पर है, देखो पहले क्या हो रहा था, बाइक जैसे कि ऐसा ऐसा कर रहा था, इतना इससे भी कम, ज़्यादा कम आरपीएम था। अभी हम लोग का जितना आरपीएम है 1000-1100 के आसपास में, फिर भी बाइक जैसे कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए तो रुकिए, देखिए अभी मैं पिकअप दे रहा हूँ, अभी थोड़ा बाइक को चला के आएंगे। तो गाइस एकदम बाइक हम लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने लगा, और जैसे मारुति जैसे, छोटा मारुति जैसा लग रहा है। स्कूटी तो छोटा मारुति है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम पिकअप हम लोग का बहुत अच्छा आया है। देखिए बहुत अच्छा आया है। तो कुछ हम आपको बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने देखा उसको झलाई किया था, बट मैंने शोरूम में सोचा गियर बॉक्स प्रीमियम है, जैसे कि मुझे लगा पूरा चेंज करने से बेहतर साउंड क्वालिटी आएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि शोरूम से मैं जाऊंगा
और रहूँगा, लेकिन शोरूम में एक भी पार्ट्स नहीं मिला, और एक पार्ट्स मिला तो वो जैसे मैचिंग नहीं कर रहा था। बट मैंने सिर्फ चेंज किया क्या, दो बैरिंग के कारण इंजन का साउंड इतना ख़राब था, और जिसमें कि गियर बॉक्स जैसे कि हम लोग एक्सीलेटर दे रहे थे टूट, जैसे कि टूट गया उसके अंदर कुछ, तो दो बैरिंग खराब होने का कारण ऐसा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास अगर कोई स्कूटी आता है, एक्टिवा हो, मेट्रो हो, अगर इस रीजन होता है तो बैरिंग चेक कीजिए। और बैरिंग खोलने का तरीका मैं आपको बताया, जो इस वीडियो में आपको देखने नहीं मिलेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो बैरिंग आप लोग कैसे खोले, कैसे फिटिंग करें, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए संजय बाइक यूट्यूब चैनल के साथ।